हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए, इस तरह का जो राउंड नेक आता है वो बहुत ही सुंदर आता है और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया। एक बार आप अच्छे से सीख लीजिए तो आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो आप इसी तरह से मेरी वीडियो में बने रहें और आगे को फंदे कैसे उठाने हैं ये इस वीडियो में मैंने दिखाया है। तो चलिए देखते हैं। कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हमको गले के फंदे उठाने, तो देखिए किस तरह से उठाएंगे। जो हमने बटन पट्टी के पिन में दिए हुए थे उनको ले लेंगे हम इस तरह से। इनको हमको गिनना नहीं है, यहां से लेके बैक साइड तक, जहां हमारे बैक साइड के फंदे हैं वहां तक जो गोलाई आएगी उसमें हम 45 से 50 फंदे उठाएंगे। ठीक है, 45 और 50 के बीच में। तो कैसे मैं फंदे उठाती हूँ ये देखिए। यहाँ से लेके यहाँ तक हम लगातार फंदे उठाएंगे, चाहे उसमें 40 उठे, 45 उठे या 50 उठे। अगर हमारे 45 उठते हैं, हमें ज़्यादा करने हैं, तो हम क्या करेंगे, जब हम सारे फंदे उठा लेंगे यहाँ से लेके सारे, तो जब हम उल्टी सिलाई बनाएंगे तो उसमें हम फंदे एडजस्ट कर लेते हैं। एक बार हम बराबर तरीके से फंदे तो उठा लेंगे, कहीं कभी कभी क्या होता है कम फंदे उठते हैं और कभी कभी ज़्यादा उठ जाते हैं। तो कम फंदे उठते हैं तो हम क्या करेंगे, जब हम उल्टी सिलाई लेके आएंगे वापस, तो उसमें हम बीच बीच में बढ़ा देंगे, और अगर ज़्यादा उठते हैं तो वहाँ पे बीच बीच में कम कर देंगे। तो लगातार उठाऊंगी मैं इसमें, देखिए दो तो उठ चुके हैं और बटन पट्टी के मैं नहीं गिनूंगी, और लगातार इस तरह से उठाते जाऊंगी। ये देखिए तीन उठ गए हैं क्योंकि ये बटन पट्टी वाले हैं, और ये तीन जो मैंने अभी उठाए फंदे, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखिए 9, 10, क्रूशिया की तरह उठाते जाएंगे। 10 फंदे हो गए हैं। ठीक है, 48 मेरे हिसाब से ठीक होंगे, 48 प्लस बटन पट्टी के फंदे। ठीक है, और ये जो बैक साइड का जो बीच में बचा हुआ था उसको हम इस तरह से बना लेंगे। फोर्टी
48 फंदे हमने उठाए हैं, तो जैसे मैंने कि बोला था आपको 45 या 50 के बीच में आप उठा लीजिए। 50 भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, अगर उस साइड मेरे 50 हो गए तो मैं इस साइड भी दो और बढ़ा लूँगी, आने वाले जो दूसरी रो है इसके बाद जो दूसरी रो आएगी उसमें दो और बढ़ा लूँगी, मैं 50 कर दूँगी, कोई वो नहीं है। और इसमें लगभग फंदे हैं आपके वही 58 के आसपास, ठीक है। तो ये बैक साइड का है, अगर इसमें कम होते हैं तो इनके फंदे बंद करके तब उठा लिए जाते हैं, लेकिन इसमें फंदे काफ़ी हैं इसलिए मैंने इनको बंद नहीं किया और साथ साथ में इसको बना भी लिया। इस तरह से इनको पूरे बना लेंगे, एक दो तीन, ये देखिए बटन पट्टी से गले से बैक साइड में से आ गए हैं हम एक साइड, और इस साइड और हम उठाएंगे करीब 48 के आसपास। फोर्टी फोर हो गए, चार फंदे कम हो गए, ठीक है। तो ये अच्छा हुआ अभी, तो इससे आपको पता चल जाएगा। और ये पिन वाले फंदे जो हैं भर लेंगे हम, इसको हम वही बना लेते हैं जो हमारा पहले से ही आ रहा है पैटर्न, वो बना लेते हैं अभी। ये बटन पट्टी का पैटर्न है। अब जो हम वो बनाएंगे बॉर्डर बनाएंगे, वो एक उल्टा एक सीधा करके बनाएंगे, ऐसा पैटर्न नहीं बनाएंगे। एक उल्टा एक सीधा क्या होता है, स्टिचेबल होता है, ठीक है। अब तो क्या करना है, इस साइड हमको चार और बढ़ाने, तो ये आपके लिए एकदम ठीक हुआ। अगर कम हो जाते हैं तो कैसे क्या करते हैं, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। अब हम ये वाला जो रो है ये पूरी उल्टी बना देंगे, इस उल्टी रो में ही हमको एडजस्ट करने हैं सारे फंदे। अगर कम करने हैं तो कम करने हैं, ज़्यादा बढ़ाने हैं तो ज़्यादा बढ़ाने बढ़ा लेने हैं, ठीक है। तो हमको बढ़ाने हैं, अब हम कैसे और कहाँ पे बढ़ाएंगे आपको अब पता चलेगा, ये हम बनाते जाएंगे, ठीक है। ये हम रो कंप्लीट करते जा रहे हैं, अचानक हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह है, ये देखिए कितनी ज़्यादा जगह है। तो चार फंदे उठाने हमको, यहाँ से एक लूप ले लेंगे कोई सा भी, ये एक ले लिया उसी को बना दिया, तो एक फंदा हमारा बढ़ गया, एक फंदा बढ़ गया। जहाँ पे भी आपको ज़्यादा जगह दिखेगी वहीं से आपको एक फंदा ले लेना, ये देखिए यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा, एक लूप ले लेंगे यहाँ से कोई भी, ये देखे, और इसको हम बढ़ा देंगे, दो फंदे बढ़ गए। अब दो फंदे और बढ़ाने हैं, तो अब हम वहां बढ़ाएंगे जहां पे हमको खाली जगह ज्यादा मिलेगी, ये देखिए यहां पे काफी खाली जगह है, एक लूप ले लेंगे, तीन ये बढ़ गए, एक और बढ़ाना है,
कहीं पे भी बढ़ा देंगे हम, जहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इतनी खाली जगह है, ये चार बढ़ गए तो हो गए 48। 48 फंदे इस साइड भी कंप्लीट हो गए और उस साइड भी, और पीछे के तो जितने थे वो सारे ले लिए थे हमने। तो ये पूरा जो रो कंप्लीट करनी है हमने, उल्टी उल्टी ही करनी है, ठीक है, यहाँ तक लास्ट तक उल्टी ही करनी है। इस तरह से हमने पूरी जो रो कंप्लीट कर ली है उल्टी उल्टी वाली, ठीक है। रो कंप्लीट होने के बाद हमारे लगभग, अभी मैं बताऊंगी आपको लास्ट में कितने फंदे हैं टोटल, तो टोटल के हिसाब से तो मैं नहीं उठाती हूँ, बस ये रहता है कि बैक साइड में 40-45 होने चाहिए, 45-50 होने चाहिए, और अगल बगल भी 45-50, तो इस हिसाब से उठाती हूँ मैं। कभी 45 नहीं होते तो 47 हो जाते हैं, 48 हो जाते, थोड़े ऊपर नीचे हो जाते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं बॉर्डर बनाऊंगी, ये है बटन पट्टी, ठीक है। एक होल यहाँ पे है, एक आएगा हमारा पट्टी में, तो थोड़ी से ऊपर आएगा वो, उसको भी देना जरूरी है, उसको भूलिए मत। तो चलिए बनाते हैं, बस सिंपल सा बनाऊंगी मैं, एक उल्टा एक सीधा, एक सीधा और एक उल्टा, बस यही बनाऊ। 1.5 इंच करीब हम बनाएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको इसमें करना क्या है। इसी तरह से बनाएंगे, एक उल्टी उल्टा फंदा, एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा, धागा आगे पीछे ऐसे करके पूरा 1.5 इंच हमारा यही बनेगा, ठीक है। तो आप इसको इसी तरह से बना लीजिए, लगभग 1.5 इंच जितना भी आपको गले का जो बॉर्डर होता है वो चाहिए, उतना आप इसी तरह से सिंपल तरीके से एक उल्टा, फिर धागा पीछे करके एक सीधा, फिर धागा आगे करके एक उल्टा, इस तरह से बना लीजिए। उसके बाद क्या करना है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है और उसको समझाने के लिए मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए। तो मैं इसकी जो बंद कैसे करते हैं उसका वीडियो मैं दूसरा दूंगी इसके बाद। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे। तो आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई भी नई वीडियो आती है तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके बाद गला बंद कैसे करते हैं वो मिलेगा आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।